खान के बारे में कहा जा रहा है कि वो देश में भी फेल हुए और विदेश में भी। पिछले साल जब रूस ने यूक्रेन पर हमला शुरू किया था तब इमरान खान रूस में ही मौजूद थे। बाद में पाकिस्तान रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद करने लगा। आज हमारे संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा रूस में ही मौजूद है, वहां से देखिए इमरान पर ये स्पेशल रिपोर्ट। इमरान खान की विदेशी कूटनीति भी बुरी तरह नाकाम रही। भारत के रूस और अमेरिका दोनों के ही साथ बहुत गहरे संबंध हैं। इमरान खान ने सोचा कि वो अमेरिका के साथ साथ रूस को भी साध सकते हैं, इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन से मिलने के लिए मॉस्को का दौरा किया। लेकिन इस दौरे का समय बेहद गलत था। इमरान खान राष्ट्रपति पुतिन से मिल ही रहे थे कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। इमरान खान को रूस से तो कुछ नहीं मिला, अमेरिका बेहद नाराज हो गया और इमरान खान के पाकिस्तान पहुंचने से पहले ही अमेरिका ने उनके पास बकाए की वसूली का नोटिस भेज दिया। जब इमरान खान ने सत्ता संभाली थी तो उम्मीद थी कि पूरी दुनिया देखे हुए इमरान खान पाकिस्तान की कूटनीति को एक अलग दिशा देंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। यूक्रेन युद्ध के दौरान नेटो देशों ने यूक्रेन तक जाने वाली रसद, गोला बारूद और हथियारों की सप्लाई के लिए पाकिस्तान को एक ट्रांसपोर्टर की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। नेटो देशों से ये सप्लाई पाकिस्तान पहुंचती थी और वहां पाकिस्तान एयरफोर्स के नूर खान बेस से ये सप्लाई यूक्रेन पहुंचती थी। साथ में ही पाकिस्तान ने अपनी फैक्ट्रियों में बने हुए 122 और 130 mm आर्टिलरी शेल्स को भी यूक्रेन भेजना शुरू किया। जाहिर है इन सारी बातों ने रूस को बहुत ज्यादा नाराज कर दिया। इमरान खान की विदेश नीति ने सारे बड़े देशों को नाराज कर लिया, यहां तक कि पाकिस्तान की हर हालत में मदद करने वाले चीन को भी। इमरान खान न तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक की सुरक्षा कर पाए और न ही पूरे पाकिस्तान में जगह जगह अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले चीनी कामगारों पर हो रहे आतंकवादी हमलों को रोक पाए। इन प्रोजेक्ट्स पर चीन ने अरबों डॉलर निवेश किए हैं। यहां तक कि सीपैक की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान फौज की 2 डिवीजन खड़ी करने के लिए चीन ने जो पैसा दिया वो भी इमरान खान और कंपनी के खाते में चला गया। यानी इमरान खान से अमेरिका भी नाराज, रूस भी और चीन भी। इमरान खान को गद्दी पर बिठाने वाली पाकिस्तान की सेना के लिए भी इमरान खान गले की हड्डी बन गए थे। इमरान खान की गिरफ्तारी का वहां की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, उज्मा जी आपके पास आना चाहूंगी। पाकिस्तान की तरफ अगर अभी देखा जाए हालात बेहद खराब है, IMF से आपको झटका लगता है, वर्ल्ड बैंक से आपको झटका लगता है, आर्थिक व्यवस्था वहां पर अभी ठीक नहीं है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। ऐसे में अब आप देखिए आपके शहर जल रहे हैं, क्या जो वहां पर सरकार है उनको प्रायोरिटाइज नहीं करना चाहिए? क्या आपकी पहली कोशिश ये नहीं होनी चाहिए कि आप एक बेहतर मुल्क बनाए, उसके बाद इस तरह की चीजों पर वक्त वहां पर वहां की सरकार जाया करे? आप हमारी फिक्र ना करें, यहाँ पे आप अगर आए तो मैं आपको विजिट कराऊंगी। बहुत लोग खुशहाली भी है, लोग अच्छी तरीके से रह रहे हैं। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे जो सियासत में आपको पता है ऊंच नीच होती रहती है, किस मुल्क में नहीं होती है, आपके भी मुल्क में उतनी ज्यादा है। आपके मेहमान जो है वो हमारी फौज से इतने खौफ ज्यादा है और होना भी चाहिए क्योंकि बेहतरीन फौज है दुनिया में हमारी। लेकिन उनको मैं ये बताती चलूं कि ये जो चेंज ऑफ गवर्नमेंट हुआ था ये कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हुआ था, इसमें फौज का कोई अमल दखल नहीं था, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया गया था जिसकी वजह से इमरान खान चूंकि मेजोरिटी नहीं थी तो उनको घर जाना पड़ा था। अब उन्होंने ये और बात है कि उन्होंने मैं ना मानू करके तो वो सड़कों पर निकल आए, उनको चाहिए था कि वो अपोजिशन बेंचेस पे बैठते और वहां से अपनी सियासत एक डेमोक्रेटिक तरीके से करते। बहरहाल मैं आपको बताती चलूं, वैसे उसमें जी बिलावल भुट्टो का भारत में स्वागत तो ठीक से हुआ ना, आपके आवाम खुश है उनके दौरे से? बिल्कुल, मेरे ख्याल में बहुत जबरदस्त की रिसेप्शन हुई है और उसके बाद जो ट्राइलैटरल टॉक्स पाकिस्तान में हुई जिसमें चाइना के फॉरेन मिनिस्टर एक अच्छी खबर और आई थी आपके लिए, वनडे क्रिकेट में नंबर वन हो गया था पाकिस्तान, लेकिन वो भी महज 24 घंटे के लिए। और आपने जिस खौफ की बात की थी उसका जवाब जनरल मेस्टन से मैं लेना चाहूंगी, पाकिस्तान की फौज से कौन डरता है जनरल मेस्टन? पाकिस्तान की फौज से कोई नहीं डरता है, सिर्फ डरते हैं तो वहां के लोग, और ये डरती हैं जो आपके चरण में बैठी हैं वो डरती हैं क्योंकि उनको हकीकत पता है कि करप्शन सबसे ज्यादा पाकिस्तान आर्मी के जनरल्स करते हैं, सबसे करप्ट आर्मी जनरल्स पूरी वर्ल्ड में पाकिस्तान आर्मी में है, वो सबको पता है, उनको भी पता है। और मेरे ख्याल ये इमरान खान लगाते हैं,
जो है ना अपने घर पे रखें, आप अपने घर को पहले दुरुस्त कर लें और फिर उसके बाद ये फजूल के इल्जाम लगाएं बगैर एविडेंस। नहीं भाई, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ इस विषय पे, हकीकत मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ और सच कड़वा है वो आपको। जनरल मेसन, जनरल सिवाच से भी एक रिएक्शन में लेना चाहूंगी। जनरल सिवाच, आप क्या कहेंगे उज्मा जी की बात पर? देखो, समझना चाहिए कि जो पाकिस्तान की आर्मी है उसका ट्रैक रिकॉर्ड सब जानते हैं। 71 वार में 93,000 जो हैं उन्होंने जो अपने प्रिजनर छोड़ के गए थे। इसके बाद जो कारगिल लड़ाई हुई थी उसमें क्या हालात हुई थी, उसने अपने ही जो फौजी थे उनको लेने से इनकार कर दिया, वो अलग बात है। भारत की जो फौज ने उनका अंतिम संस्कार बिल्कुल प्रॉपर राइट से किया। तो सच्चाई यह है, अगर पाकिस्तान की आर्मी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, किसी की भी फौज अगर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाती है तो उसका यही कार्रवाई होती है। फौज का काम है देश की सुरक्षा करना, फौज का काम देश को चलाना नहीं। अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या है, ये जो 75 साल और 75 से 77 साल जो रूल हुआ है पाकिस्तान का, उसका ज्यादा टाइम फौज ने किया और वो उसके कारण डेमोक्रेसी नहीं पनप पाई है। आज की इकोनॉमी देखें कहाँ है, आज वो टूटने के कदार पे है। उसका एक वजह है कि इतनी देर से फौज ने जो रूल किया है और फौज में करप्शन ज्यादा है, ये सच्चाई है, मानना पड़ेगा। फौजी फाउंडेशन $60 बिलियन का ट्रेड बिजनेस करती है, सीमेंट से लेके कोलगेट तक, रियल स्टेट ले बैंक फौज चलाती है, भारत की फौजी। ये सच्चाई है, देखो आप तो आपको बता दें। ये का विडंबना है सर कि अनफॉर्चुनेटली जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के नुमाइंदे डिनाइल में ही रहते हैं, जो स्थिति आज वहां पर बनी है। एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते हम उम्मीद यही करते हैं कि वहां पर जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं वहां शांति बहाली हो सके। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। Zee News.